वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर, ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ग्राइंडिंग लेके। देखिए, ये जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ये एक सर्फेस फिनिश ऑपरेशन है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील का जरिए से इसको किया जाता है। जो ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेन है उसका क्या नाम है, कहाँ पे यूज होता है, कितना टाइप का ग्रेन है, आपका जो एब्रेसिव, जो एब्रेसिव जो है इसका आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, नेचुरल एब्रेसिव है, किसको कौन सा एब्रेसिव बोला जाता है, किसका क्या नाम है, ये आपको याद रखना है। देखिए, आप एग्जाम देने जा रहा है तो उस टाइम भी ये आपको आपको फायदा दे सकते हैं। जो पीडीएफ मैप आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि इसका प्रिंट आउट निकल के आप अगर एग्जाम देते वक्त, आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम पे अगर देख रहे हैं, तो उसमें आपको वन लाइन टाइप का क्वेश्चन आंसर याद रखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट निकल लीजिए और इसको कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा देर आप रटिए। देखिए, एक चीज़ बार बार करेंगे, 10 किताब पढ़ना नहीं चाहिए। एक किताब को 10 बार पढ़िए, लेकिन 10 किताब को एक बार पढ़ना गलत है। तो इसलिए आपका कोशिश है, आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि आप एक किताब को 10 बार करिए रिवीजन, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा फायदा है। रिवीजन इज़ द बेस्ट की, आप रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा। मैं इसलिए रटने के लिए बोल रहा हूँ, आपको ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किफ़ायती होगा। आप इसको बहुत ज़्यादा रटिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, ग्राइंडिंग व्हील का और ग्राइंडिंग का जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पहले देखना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए चलिए देखते हैं उसका जो टर्मिनोलॉजी क्या है। देखिए, ग्राइंडिंग व्हील टर्मिनोलॉजी, ग्राइंडिंग व्हील का जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ सीक्वेंस नंबर रहता है। जैसे यहाँ पे जो नंबर है, ऐसा सीक्वेंस नंबर होता है ग्राइंडिंग व्हील में। ये ग्राइंडिंग व्हील का जो सीक्वेंस नंबर है, इसको आपको याद रखना है किसको कहाँ पे, जो जहाँ पे जो नंबर अल्फाबेट है, इसको किसको कहाँ बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ये जो ऑर्डर मार्किंग है, ये ऑर्डर मार्किंग को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, पहला जो है इसमें जो एक नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक सीक्वेंस नंबर है। इसमें जो ये जो सीरियल है, ये आपको याद रखने है और इसका हर एक चीज़ को याद रखने है। जैसे 51, ये क्या है, आपको ये याद रखना है। जैसे आपका ए, ये क्या है, ये याद रखना है। जैसे 36, ये क्या है, इसको आपको याद रखना है। एल, ये क्या है, इसको याद रखना है। 5 क्या है, इसको याद रखना है। बी क्या है, इसको याद रखना है। 23 ये क्या है, इसको याद रखना है। तो इसके लिए हम लोग आज देखेंगे को, इसको डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये जो 51 है, ये नेचर ऑफ व्हील, मतलब ये जो जीरो जीरो से डोनेट होता है, डिनोट होता है, जो पहला जो है इसको जीरो से डिनोट होता है सीरियल नंबर। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, ये 1, ग्रेन साइज ये 2, ग्रेड 3, स्ट्रक्चर 4, टाइप्स ऑफ बॉन्ड 5 और मैन्युफैक्चरर्स रेफरेंस ये 6 नंबर पे होता है। जो ये पूरा नंबर है इसका जो जहाँ पे है, ये मैं आपको बोल दिया। एक नंबर पे हमेशा क्या, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव रहेगा, कौन सा टाइप का एब्रेसिव। 2 नंबर पे क्या रहता है, ये आपका हमेशा क्या रहता है, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज कितना है वो रहता है। देखिए, पहला जो नंबर है 51, ये नेचुरल नेचर ऑफ व्हील, मतलब मैन्युफैक्चरर्स सिंबल इंडिकेटिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एब्रेसिव, ये ऑप्शनल रहता है, ये किसी व्हील में रहता है और किसी व्हील में नहीं रहता है। नेक्स्ट, पहला जो है उसमें क्या रहता है, ये टाइप्स ऑफ आपका एब्रेसिव, पहला जो नंबर है इसको बोला जाता है आपका टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। यहाँ पे ए से डिनोट किया गया, मतलब ए एब्रेसिव का टाइप। देखिए, ए मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी मतलब सिलिकॉन कार्बाइड। जितना नेचुरल और आर्टिफिशियल एब्रेसिव है सबको डिनेट किया जाता है, सभी को डिनेट किया जाता है ए सी, ऐसा कुछ अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। मतलब पहला जो नंबर है वो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव हो गया। नेक्स्ट नंबर जो 2 है, देखिए ये जो नंबर 2 है इसको क्या बोला जाता है, ग्रेन साइज। इसको क्या बोला जाता है, नंबर 2 पे पोजीशन पे रहता है ग्रेन साइज, मतलब यहाँ पे 36, मतलब देखिए यहाँ पे क्वार्ट्स, मीडियम, ये फाइन और ये वेरी फाइन,
एफ होगा आपका, ये आपका एफ हो जाएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये आपका फाइन और वेरी फाइन। क्वार्ट्स जो है, जब बड़ा दाना जो है, जब बिग साइज का जो है, उसमें क्या रहता है 10 से 24 तक नंबर रहता है। मीडियम जो होता है उसमें क्या है 30 से 60 तक रहता है। और फाइन जो है ये कभी कभी ऑप्शन आपको देख के करना है, कभी 70 से स्टार्ट होता है, कभी 80 से स्टार्ट होता है, 80 से 180 या तो 70 से 180। और वेरी फाइन जो होता है वो वेरी फाइन 220 से 600 तक होता है, जो एकदम वेरी फाइन फिनिशिंग काम के लिए जो हम लोग को ग्रेन साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे 36 है, मतलब आपको मालूम ही पड़ गया कि ये 36 मतलब आपका ये मीडियम टाइप का एब्रेसिव है। एब्रेसिव टाइप कितना हो, क्या हो जाएगा, ये मीडियम टाइप एब्रेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर थ्री, देखिए यहाँ पे जो नंबर थ्री है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका ग्रेड, मतलब ये जो एल है एल से डिनोट किया जाए एक ग्रेड। देखिए नीचे एकदम नीचे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ये जो है ये जो बॉक्स है इसमें ग्रेड मतलब ए से एच तक, यहाँ से यहाँ तक इसको सॉफ्ट ग्रेड बोला जाता है, जो डिनोट किया जाता है जो अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है ये सॉफ्ट ग्रेड होता है। आई से आपका पी तक ये क्या हो जाता है, ये आपका मीडियम ग्रेड हो जाता है। और क्यू से ए जेड तक ये क्या हो जाता है, ये आपका हार्ड ग्रेड। आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो मीडियम मीडियम ग्रेड का जो लेवल है ऑप्शन में दे दिया आई टू जे आई टू के आई टू ओ आई टू पी, आपको अगर आंसर मालूम है तो आप जरूर वो ऑप्शन में राइट कीजिएगा कि आई टू पी जहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका नंबर फोर, देखिए फोर में क्या है, फोर में दिया है स्ट्रक्चर, मतलब ये जो ग्राइंडिंग व्हील इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अभी नंबर रहता है मतलब नंबर से डिलीट किया जाता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। देखिए ये जो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें देखिए स्पेसिंग फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू मोस्ट ओपन, मतलब इसमें एक क्लोजेस्ट में डेंस हो बोला जाता है, इसमें डेंस डेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है, और दूसरा होता है एक ओपन स्ट्रक्चर। देखिए 0 से 8 तक, जो 0 से 8 तक है, 0 से 8 तक ये आपका ओपन स्ट्रक्चर होता है, और 9 से 13 तक ये आपका डेंस ओपन सॉरी देखिए नेक्स्ट देखिए नंबर फोर, फोर पे क्या है, नंबर फोर पे है स्ट्रक्चर, ग्राइंडिंग व्हील का जो स्ट्रक्चर है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए स्पेसिंग फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द मोस्ट ओपन, ये जो क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट जो यहाँ पे लिखा है इसको किताब में देखिए इसमें डेंस भी लिखा हुआ रहता है, तो इसको क्लोजेस्ट भी बोला जाता है, ऑप्शन में रह सकता है, और डेंस भी बोला सकता है। डेंस डेंस स्ट्रक्चर जो होता है, तो स्ट्रक्चर दो टाइप का है, एक डेंस स्ट्रक्चर और एक ओपन स्ट्रक्चर। देखिए ये 0 से 8 तक ये जो होता है ये आपका डेंस स्ट्रक्चर होता है, और 9 से आपका 14 तक ये होता है आपका ओपन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट नेक्स्ट है नंबर फाइव, फाइव नंबर पोजिशन पर जो है वो क्या रहता है, वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड होता है, मतलब देखिए आप सीमेंट बालू और पानी मिला के घर में प्लास्टर करते हैं, उसी टाइप का इसमें भी बॉन्डिंग रहता है, मतलब बॉन्ड जो मतलब रिलेशन रखता है किसमें, वो ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव है और ग्राइंडिंग व्हील का जो जो व्हील का स्ट्रक्चर है, मतलब वो राउंड है उसमें जो बॉन्डिंग रहता है उसको तो एब्रेसिव पकड़ के रखता है, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलता है क्या, बॉन्ड। तो बॉन्ड को कैसे डिनोट किया जाता है, अलग अलग इसमें इसमें क्या होता है, अल्फाबेट यूज किया जाता है। देखिए ये जो आपका बॉक्स है ये बॉक्स थोड़ा देखते हैं, देखिए भी से क्या डिनोट किया जाता है, भी से हो जाता है आपका वेट्रीफाइड वेट्रीफाइड बॉन्ड, एस से क्या होता है, एस से हो जाता है आपका सिलिकेट बॉन्ड, आर से क्या होता है, आर से हो जाता है आपका रबर बॉन्ड, बी से क्या हो जाता है, बी से हो जाता है आपका रिजोनॉइड बॉन्ड, ई से क्या हो जाता है, सेलाक बॉन्ड, और ओ से क्या हो जाता है, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। ये आपको याद रखना है क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट नंबर सिक्स, देखिए जो नंबर सिक्स पे है इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स रेफरेंस, तो मैन्युफैक्चर कौन सा मैन्युफैक्चर है, क्या किया है,
उनका जो रेफरेंस है आईएसओ नंबर, ये रेफरेंस नंबर रहता है इसमें, जैसे यहाँ पे 23 दिया है, मैन्युफैक्चरर्स ओन आइडेंटिफिकेशन मार्क व्हील ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल, मतलब पहला ये जो पहला जो है 0 और 6 ये ऑप्शनल, किसी व्हील में रहता है और किसी व्हील में नहीं रहता है, लेकिन जो आईएसओ कंपनी है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, उसमें रहता ही है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, बार बार इसको थोड़ा देखिए, ये बहुत आसान है, आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा देखिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, ये आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैं विथ एक्सप्लेनेशन दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड एज A46 KB517, ग्रेन साइज ऑफ ए व्हील विल बी। आपको मालूम है कि कुछ देर पहले हम लोग इसका जो टर्मिनोलॉजी ये हम लोग पढ़ा है, तो इसका ग्रेन साइज विल भी क्या हो जाएगा, आपका मीडियम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका मीडियम। क्योंकि देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में बोला है 46, यहाँ पे 46 रिप्रेजेंट द ग्रेन साइज व्हिच इज मीडियम ग्रेन साइज, सेकेंड वैल्यू इन द स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंट ग्रेन साइज, मतलब सेकेंड वैल्यू जो है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रेन साइज। तो इसमें ग्रेन साइज में देखिए मीडियम वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे 30 से चालू हो गया था, तो यहाँ पे ग्रेन साइज में क्या हो जाएगा, ये ग्रेन साइज हो जाएगा 46 आपका हो जाएगा आपका मीडियम टाइप ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज C8K5B17, ग्रेन साइज ऑफ व्हील विल बी। यहाँ पे ग्रेन साइज मतलब ग्रेन साइज 8 सेकेंड नंबर, तो ग्रेन साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्रेन, क्योंकि आपको मालूम है 10 से और 10 के ऊपर जितना है ये क्या हो जाता है आपका, आपका ये क्वार्ट्ज ग्रेन साइज होता है, ये आपका हो जाता है आपका क्वार्ट्ज ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 8 जो है 8 रिप्रेजेंट ग्रेन साइज व्हिच इज क्वार्ट्ज, सेकेंड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज ग्रेन साइज, जो मैं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड A600K B517, ग्रेन साइज ऑफ द व्हील विल बी, ग्रेन साइज ऑफ द व्हील विल बी वेरी फाइन, क्योंकि आपको तो मालूम है सेकेंड पोजिशन आपका ग्रेन साइज का, और यहाँ पे पूछा गया था हम लोग कुछ देर पहले जो टर्मिनोलॉजी पढ़ा उसमें, आप देखें कि वेरी फाइन का रेंज कितना होता है, 220 से 600, तो यहाँ पे 600 है, तो ये इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा वेरी फाइन। ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप देख लेना, आपको एक कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि NFL में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग व्हील विल हैव फाइन ग्रेन साइज, कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया था कौन सा निम्न से कौन सा ग्राइंडिंग व्हील हैव फाइन ग्रेन साइज। फाइन ग्रेन साइज आपको मालूम है, आपको फाइन ग्रेन साइज मतलब दूसरा नंबर पे देखना है, तो इसमें 80 है, तो इसमें आपको ये जो है ये आपका फाइन ग्रेन साइज हो जाएगा, अगर 220 से स्टार्ट होगा तो वो वेरी फाइन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ग्राइंडिंग व्हील विल हैव एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव, मतलब कुछ ग्राइंडिंग व्हील का ऑप्शन दिया गया था, ऐसा नंबर दिया गया था, तो पूछा गया कि इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड उसमें बोल्ड कर दिया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव जो ग्राइंडिंग व्हील किसमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहला जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है आपको, आपको बोला गया कि पहला जो नंबर हो जाता है वो आपका एब्रेसिव टाइप, इसमें ए है तो ए से डिनोट किया जाता है क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो ऑक्साइड जो एब्रेसिव है उसको डिनोट किया जाता है। तो आपको इस यहाँ पे याद रखना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो एब्रेसिव है ये नेचुरली ये आर्टिफिशियल है, आपको मालूम है ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, तो आपको इसी के साथ में याद रखना है कौन सा नेचुरल एब्रेसिव है, डायमंड जैसा हो गया ये आपका नेचुरल एब्रेसिव, ऐसे आपको याद रखना है, रिलेट करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड ग्राइंडिंग व्हील विल हैव सिलिकॉन कार्बाइड, मतलब फिर वही एक टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछा गया सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में, मैं इसको बोल्ड करने भूल गया, तो आप थोड़ा देख लीजिए इसको हाईलाइटर से मार्क कर लिए। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया था, ऐसा आप कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें पूछा गया सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा जो एब्रेसिव है उसको सिलिकॉन कार्बाइड बोला जाता है,
तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है पहला नंबर, तो इसमें सी जो रहेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी और बाकी जो रहता है, तो पहला ऑप्शन में सी रहेगा तो वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर सी, मतलब ए, सी जब जहां पर रहता है वो आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर पे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट प्लेस ऑफ आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट ग्रेन टाइप, सी रिप्रेजेंट द सिलिकॉन कार्बाइड। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, जो ग्राइंडिंग व्हील वो ग्राइंडिंग व्हील का सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या है, ये एब्रेसिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन डन टू मेक पेरीफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विथ इट्स एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप इज नोन एज, मतलब ऑपरेशन डन टू मेक पेरीफेरी, मतलब कोई एक राउंड टाइप का, आपको मालूम है ग्राइंडिंग व्हील राउंड राउंड टाइप का होता है, उसका पेरीफेरी में जो पेरीफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विद द एक्सिस ऑफ एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप, मतलब ये अगर शेप लॉस्ट हो गया, मतलब ये पूरा राउंड था लेकिन यहाँ पे अभी राउंड नहीं है, इसको रिकवर करने के लिए जो प्रोसेस, जो ऑपरेशन है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रूइंग, इसको क्या बोला जाता है ट्रूइंग। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ट्रूइंग इज डन टू मेक पेरीफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विथ इट एक्सिस एंड टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप। अगर रिकवर इट्स लॉस्ट शेप ग्राइंडिंग व्हील में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको देखना है कहाँ पे ट्रूइंग है, ट्रूइंग जो ऑपरेशन है वो ग्राइंडिंग व्हील का लॉस्ट शेप को रिकवर करता है। तो आपको किसी एक वर्ड को पकड़ के आपको याद रखने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिमूविंग डल ग्रेन्स इन ऑर्डर टू मेक ग्राइंडिंग व्हील शार्प इज नोन एज, रिमूविंग डल ग्रेन, जो डल जो ग्रेन जो खराब हो गया, रिमूविंग डल ग्रेन इन ऑर्डर टू मेक ग्राइंडिंग व्हील शार्प, ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने के लिए जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका ड्रेसिंग, ऑप्शन ड्रेसिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेटर टू यूज फॉर मशीनिंग ऑफ सॉफ्ट वर्कपीस, मतलब कुछ ऑप्शन दिया गया था उसमें पूछा गया व्हिच विल बी बेटर, कौन सा बेटर होगा, अच्छा होगा टू यूज मशीनिंग ऑफ सॉफ्ट वर्कपीस, सॉफ्ट वर्कपीस में कौन सा जो टाइप का आर बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड दिया गया तो उसमें क्या गया, कुछ बॉन्ड दिया गया उसमें सॉफ्ट वर्कपीस में काम करने के लिए सबसे अच्छा कौन होगा, आंसर आर बॉन्ड, आंसर आर बॉन्ड। आर का मतलब आपको मालूम है जो रबर बॉन्ड है वो रबर बॉन्ड आपको आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, रबर बॉन्ड देखिए इसमें देखा है, रबर बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील इज जनरली यूज फॉर मशीनिंग सॉफ्ट वर्क पीस, फिफ्थ प्लेस ऑफ आईएसओ डेजिग्नेशन ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, फिफ्थ प्लेस जो होता है क्या टाइप ऑफ बॉन्ड, ये तो हम लोग पहले ही जो टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ा है उसमें देखा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील बी मोर इकोनॉमिकल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड वर्क पीस, मोर इकोनॉमिकल हार्ड वर्क पीस में पैसे के लिए अच्छा होगा, मतलब वो ज़्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा, मतलब खराब नहीं होगा, ऐसा ग्राइंडिंग व्हील कौन सा, ये आपका सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील, आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, इन सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ हार्ड वर्क पीस ग्लेजिंग विल ऑकर आफ्टर लॉन्ग टाइम, पूछा इसमें बोला गया सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील ड्यूरिंग मशीनिंग, मशीनिंग का टाइम में अगर सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ग्लेजिंग विल ऑकर आफ्टर लॉन्ग टाइम, उसमें जो एब्रेसिव है, एब्रेसिव ज़्यादा खराब हो जाता है, उसमें ग्लेज करता है तो लॉन्ग टाइम के बाद, इसलिए इसमें सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जाता है, विल बी मोर इकोनॉमिकल सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील वुड बी मोर इकोनॉमिकल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट वर्क पीस, आंसर ये जो सॉफ्ट वर्क पीस, सॉफ्ट वर्क पीस में जो ग्राइंडिंग व्हील होता है इस यूज किया जाता है हार्ड ग्राइंडिंग व्हील, आपका यूज किया जाता है हार्ड ग्राइंडिंग व्हील। देखिए यहाँ के ये जो एक्सप्लेनेशन है, देखिए इन हार्ड ग्राइंडिंग व्हील ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ सॉफ्ट वर्क पीस ग्लेजिंग विल ऑकर आफ्टर लॉन्ग टाइम, आपको मालूम है द ग्रेन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील विल बी इफेक्टिवली यूटिलाइज बिफोर कमिंग आउट ऑफ द व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
Which of the grinding wheel would be more economical for grinding hard work piece? ग्राइंडिंग हार्ड वर्क पीस में कौन सा आपका डेंस स्ट्रक्चर का जो व्हील होता है, ये डेंस स्ट्रक्चर का व्हील आपका मोर इकोनॉमिकल होता है। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, इन डेंस स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ हार्ड वर्क पीस मेटेरियल रिमूवल रेट इज स्मॉल एंड ऑल्सो व्हील हैज गुड स्ट्रेंथ। जो डेंस स्ट्रक्चर का ग्राइंडिंग हुई होता है वो ड्यूरिंग मशीनिंग करने का टाइम पे हार्ड वर्क पीस में मेटेरियल रिमूवल रेट इज स्मॉल, मेटेरियल रिमूवल रेट आप क्या हो जाता है स्मॉल होता है, मतलब कम होता है। एंड ऑल्सो व्हील हैज गुड स्ट्रेंथ, व्हील का क्या डेंस स्ट्रक्चर का व्हील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। आपको मालूम है कि मेटल में हम लोग स्ट्रेन मतलब स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस ये जो हम लोग पढ़ते तो उसको भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो, इसको भी आपको याद रखना है, इसका भी क्लास मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील वुड बी मोर इकोनॉमिकल फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट वर्क पीस। सॉफ्ट वर्क पीस में कौन सा ग्राइंडिंग व्हील मोर इकोनॉमिकल होगा, आपका ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील। ओपन स्ट्रक्चर जो ग्राइंडिंग व्हील है वो आपका मोर इकोनॉमिकल। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते कि ये पूछ सकते हैं कि ये सॉफ्ट और हार्ड व्हील में इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल इसमें देखिए, लेकिन इसमें सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील, हार्ड ग्राइंडिंग व्हील, डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर से और ग्राइंडिंग व्हील से और बॉन्ड से, तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछा गया और तीनों टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, मेटेरियल रिमूवल रेट ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस इन कंपैरिजन टू मेटेरियल रिमूवल रेट इन फेसिंग ऑन लेड इज आंसर स्मॉल। पूछा गया इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया मेटेरियल रिमूवल रेट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में मेटेरियल रिमूवल रेट इन कंपैरिजन टू मेटेरियल रिमूवल रेट ऑफ इन फेसिंग ऑन लेड, लेड में मेटेरियल रिमूवल जितना होता है मेटेरियल रिमूवल रेट ग्राइंडिंग में क्या होता है कम हो जाता है, मतलब स्मॉल ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मेटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग व्हील प्रोसेस इज वेरी स्मॉल, हेंस ग्राइंडिंग इज मोस्टली यूज्ड एज ए फिनिशिंग प्रोसेस। आपको पहले ही बोला ये फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एब्रेसिव आर इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग प्रोसेस, स्मॉल पोर्शन मतलब छोटा एक पोर्शन, मतलब ग्रेन कितना बोला जाता है छोटा छोटा होता है, तो वही तो सरफेस फिनिश ऑपरेशन का, तो वो तो ज़्यादा मेटल रिमूव नहीं कर सकते एक साथ में ग्राइंडिंग प्रोसेस, एंड हेंस लेस मेटेरियल रिमूवल रेट, इसलिए छोटा मतलब बालू का सैंड का जो जितना ग्रेन है उतना ही रहता है, तो वो तो ज़्यादा मटेरियल रिमूव नहीं करता है, तो इसलिए स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्मॉल ड्यू टू, मटेरियल रिमूवल रेट ग्राइंडिंग में स्मॉल किस लिए, नेगेटिव रेक एंगल। तीन टाइप का रेक एंगल होता है, ये अगर रेफरेंस लाइन होगा, अगर ये इसको आप रेफरेंस लाइन बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है आपका जो ऊपर में रहता है उसको क्या बोला जाता है, टूल का जो ऊपर में ए पोर्शन रहता है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव रेक एंगल। जो नीचे रहता है जो पोर्शन आपका ये रेफरेंस लाइन का जो नीचे रहता है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है आपका नेगेटिव रेक एंगल। और जीरो रेक एंगल कहाँ पर, ये जो एकदम रेफरेंस लाइन पर रहता है इसको क्या बोला जाता है आपका जीरो रेक एंगल। तो ये भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का और सभी जो कटिंग टूल होता है उसमें यूज किया जाता है। और रेक एंगल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, आपको पहले भी बोला हो, रेक एंगल प्रोवाइड किया जाता है जो चिप रिमूवल हो रहा है उसको डायरेक्शन देने के लिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ चिप रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्मॉल ड्यू टू, मेटेरियल रिमूवल रेट ग्राइंडिंग में स्मॉल किस लिए, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एब्रेसिव आर इन्वॉल्व इन कटिंग, कटिंग में स्मॉल पोर्शन ऑफ मतलब कटिंग व्हील में जो एब्रेसिव है वो तो छोटा छोटा स्मॉल मतलब स्मॉल एज सैंड होता है, तो सैंड का जो ग्रेन है इसका ग्रेन भी एक ही है, तो इसलिए एब्रेसिव ज़्यादा मेटल रिमूव नहीं कर सकता है, तो इसलिए स्मॉल होता है मेटल रिमूवल रेट स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मेटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्मॉल ड्यू टू, आंसर ड्यू टू टेम्परेचर रेज इन ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। अगर टेम्परेचर रेज होगा तब भी आपका मेटेरियल रिमूवल रेट स्मॉल ही होगा।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या बोला है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन सम मेटेरियल गेट वेल्डेड अगेन विद द चिप, चिप के साथ वो वेल्ड हो जाता है, इसलिए इसलिए मेटेरियल रिमूवल रेट कम होता है क्योंकि इसमें हीट ज्यादा जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राइंडिंग रेशियो जनरली लाइज बिटवीन, ग्राइंडिंग रेशियो जनरली लाइज बिटवीन कितना होता है, 0.5 से 10 तक, 0.5 to 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या, देखिए देखिए आपको याद रखना है कि ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल रिमूव्ड बाई वॉल्यूम ऑफ व्हील वायर। अगर कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो उसमें वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल रिमूव्ड, वॉल्यूम ऑफ व्हील वायर ये आपको दिया जाएगा। जी आर मतलब ग्राइंडिंग रेशियो इज जनरली बिटवीन 5.5, 0.5 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच रेंज ऑफ नंबर रिप्रेजेंट डेंस स्ट्रक्चर ऑफ एब्रेसिव, कौन सा जो नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, डेंस स्ट्रक्चर, डेन स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट करता है 0 से 8। ये कहाँ पे है देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए 0 to 8 रिप्रेजेंट द डेन स्ट्रक्चर, इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेन होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेन होता है उसको ये डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, ये ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेन का डिस्टेंस है, मतलब कितना दूर एक ग्रेन से आ रहा है और एक ग्रेन है, तो इसका डिस्टेंस डिनोट करता है ग्राइंडिंग व्हील का, डेंस स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर ये डिनोट करता है जितना डिस्टेंस, मतलब सोचिए एक एक डेंस स्ट्रक्चर मतलब अगर बगल में होगा तो डेंस स्ट्रक्चर और ज़्यादा दूर होगा तो वो ओपन स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसका एक ग्रेन से एक ग्रेन का डिस्टेंस को स्पेसिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच रेंज ऑफ नंबर रिप्रेजेंट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एब्रेसिव, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एब्रेसिव किसको रिप्रेजेंट किया था, नंबर 9 to 16, 9 to 16 आपको रिप्रेजेंट करता है ओपन स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, 9 to 16 रिप्रेजेंट ओपन स्ट्रक्चर, इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील, डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन, डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन मतलब अगर ये आपका व्हील हो जाएगा उसमें अगर यहाँ पे एक व्हील है मतलब ग्रेन है सॉरी, यहाँ पे एक ग्रेन है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस से पता चलता है ये कौन सा ओपन है और डेंस है, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये याद रखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल ऑफ विट्रीफाइड बॉन्ड इन स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में पूछा गया, कुछ ऑप्शन दिया गया था, कैसा ये सिंबल जैसा दिया गया था, ये अल्फाबेट जैसा दिया गया था, पूछा गया था कौन सा विट्रीफाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में, तो आंसर हो जाएगा आपका वी। देखिए इसका एक एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते पढ़ेंगे तो बाकी क्वेश्चन का भी हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए वी रिप्रेजेंट द विट्रीफाइड बॉन्ड, फिफ्थ प्लेस ऑफ आईएसओ डेजिग्नेशन ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट ऑफ बॉन्ड, आपको मालूम है फिफ्थ प्लेस जो हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ा है वो थोड़ा पिक्चर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको देख लीजिए, तो रिवाइंड करके भी वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें जो फिफ्थ प्लेस जो होता है उसको क्या बोला था, उसको रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल ऑफ रबर बॉन्ड इन स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में स्पेसिफाई करता है रबर बॉन्ड को आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल ऑफ रेजिनॉइड बॉन्ड इन ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, आंसर हो जाएगा आपका बी, रेजिनॉइड बॉन्ड यूज किया जाता है जो स्पेसिफिकेशन होता है तो उसमें सिंबल हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेजिनॉइड बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ ही सकता है आपका, ये याद रखना है, रेजिनॉइड बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज आपका
बैकेलाइट बॉन्ड, आंसर हो जाएगा आपका बैकेलाइट बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें रेजिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज बैकलाइट बॉन्ड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी। फिफ्थ प्लेस आपको मालूम है, वो आपका बॉन्ड टाइप, टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल ऑफ सिलिकेट बॉन्ड इन ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। सिलिक जो सिलिकेट बॉन्ड होता है वो यूज किया जाता है, उसको जो सिंबल होता है वो हो जाता है आपका एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल ऑफ सेलैक बॉन्ड। सेलैक बॉन्ड का जो सिंबल होता है क्या हो जाता है, आंसर ई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल ऑफ इपॉक्सी बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इपॉक्सी बॉन्ड का सिंबल आपका क्या हो जाएगा, आपका पी, आंसर हो जाएगा आपका पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच बॉन्ड विल बेटर टू यूज फॉर मशीनिंग ऑफ हार्डवर्क पीस। पूछा गया व्हिच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड यूज किया जाएगा फॉर मशीनिंग ऑफ हार्डवर्क पीस, आंसर वी बॉन्ड, मतलब वेट्रीफाइड जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को यूज किया जाता है किसमें, हार्ड वर्क पीस के लिए, हार्ड वर्क पीस के लिए यूज किया जाता है वेट्रीफाइड बॉन्ड। इसके एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, वेट्रीफाइड बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील इज जनरली यूज फॉर मशीनिंग हार्ड वर्क पीस। फिफ्थ प्लेस आपको मालूम है बॉन्ड टाइप का यूज किया जाता है, फिफ्थ प्लेस आपको क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है ये बॉन्ड को डिनोट किया जाता है फिफ्थ नंबर जो ग्राइंडिंग व्हील में डेजिग्नेशन होता है उसको। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डैश टू ग्रेन। ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डैश टू ग्रेन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्रेन नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ग्रेन नंबर इज इक्वल टू 1/ग्रेन साइज। ग्रेन नंबर क्या होता है वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1/ग्रेन नंबर जो होता है 1/ग्रेन साइज। ग्रेन नंबर इज स्मॉलर टू डेंसिटी ऑफ ग्रेन्स ऑन ग्राइंडिंग व्हील। ग्रेन नंबर इज स्मॉलर टू डेंसिटी ऑफ ग्रेन्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जो ग्रेन नंबर होता है, देखिए एक ग्रेन नंबर कहाँ पर रहता है, आपका सेकेंड पोजिशन में रहता है, इसमें क्वार्ट्ज ग्रेन और मीडियम ग्रेन, मतलब जो ग्रेन नंबर अगर स्मॉल होगा तो नंबर स्मॉल होगा तो वो बिग होगा, और ग्रेन नंबर पे अगर जितना नंबर बढ़ते जाएगा वो उतना फिनिशिंग की तरह जाएगा। मतलब अगर 220 होगा, अगर 220 होगा ये तो 10 से कम है, 220 10 से कम है, लेकिन 10 जो है वो 10 क्या है, ये 10 है आपका क्वार्ट्ज ग्रेन, लेकिन ये 220 क्या है, ये 220 का आपका वेरी फाइन में, तो इसलिए ये नंबर बढ़ेगा तो ग्रेन साइज छोटा हो जाएगा और नंबर कम है तो वो ग्रेन साइज बड़ा होता है, ये आपको याद है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच इज करेक्ट रेंज फॉर ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ऑफ क्वार्ट्ज ग्रेन। आंसर क्वार्ट्ज ग्रेन में 10 to 24 आपका क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच इज करेक्ट रेंज ऑफ ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील फॉर मीडियम ग्रेन्स। मीडियम ग्रेन्स के लिए 30 to 60 आपका मीडियम ग्रेन में पड़ता है, ये जो मीडियम ग्रेन होता है वो क्या है, 30 to 60 इसका रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच इज ए करेक्ट रेंज ऑफ रेंज फॉर ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील फॉर फाइन ग्रेन्स। फाइन ग्रेन के लिए ग्रेन नंबर कितना होता है, 70 से 180, ये 80 होता है, यहाँ पे 80 कभी कभी देखा जाता है, वो आपको ऑप्शन देख के चूज करना है, अगर 80 रहेगा तो 70 नहीं रहेगा, 70 रहेगा तो 80 नहीं रहेगा, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज द करेक्ट रेंज फॉर ग्रेन नंबर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील फॉर वेरी फाइन ग्रेन। आंसर वेरी फाइन के लिए ग्रेन नंबर कितना होता है, आपको कुछ देर पहले भी बोला, टर्मिनोलॉजी भी बोला, कुछ आपको समझाया, 220 से 600 आपका वेरी फाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ग्राइंडिंग मशीन विल गिव ए बेटर रिजल्ट फॉर रफ मशीनिंग। रफ मशीनिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील, कौन सा, क्वार्ट्ज ग्रेन। रफ मशीनिंग के लिए हम लोग क्वार्ट्ज ग्रेन यूज करते हैं, उसका नंबर कितना छोटा होता है, मतलब
10 से स्टार्ट होता है और जितना ज़्यादा बढ़ता है उसका फिनिशिंग मतलब छोटा हो जाता है ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ग्राइंडिंग मशीन विल गिव ए बेटर रिजल्ट फॉर फिनिशिंग मशीनिंग ऑपरेशन। कौन सा ग्राइंडिंग मशीन जो ग्राइंडिंग हुई रहता है वो कौन सा मशीनिंग फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए, वो फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन मतलब आपको फाइन ग्रेन जब हो जाएगा वो 220 स्टार्ट होगा, 220 से कितना होता है वो 600 तक होता है, वो फाइन होता है, फाइन ऑपरेशन के लिए, फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच सिंबल्स रेंज ऑफ अल्फाबेट रिप्रेजेंट सॉफ्ट ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील। आपको जब मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा था उस टाइम मैं बोला था नीचे में, वो उसको थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो फोटो का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। व्हिच सिंबल रिप्रेजेंट द अल्फाबेट रिप्रेजेंट द ग्रेन ऑफ सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील। सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील A to H जो होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच सिंबल रेंज अल्फाबेट रिप्रेजेंट द मीडियम हार्डनेस ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में मीडियम हार्डनेस I to P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हिच सिंबल रेंज अल्फाबेट रिप्रेजेंट द हार्ड ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील। ये हो जाता है आपका आंसर Q to Z। आग बंद करके Q to Z, I to P, A to H, ये आपको याद रखना है। इसका अंतर जो है इससे भी आप कुछ ट्रिक्स निकालिए जो आपको याद रखना है। 2-3 बार पढ़िए ये हो जाएगा, उतना ये ट्रिक्स रखने का जरूरत नहीं है। ये 2-3 बार ये जो PDF है निकल के 5 बार कम से कम पढ़िए, आपको पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन याद रह जाएगा, मेरा गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 39, फेरेबिलिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एसोसिएटेड विथ। फेरेबिलिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये जो वर्ड है ये आपको याद रखना है। फेरेबिलिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज एसोसिएटेड विथ फ्रैक्चर, एसोसिएट विथ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का शायद फेरेबिलिटी एसोसिएटेड है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, फेरेबिलिटी इज द एबिलिटी टू फ्रैक्चर अंडर प्रेशर सो दैट व्हेन कटिंग एज बिकम डल द ग्रेन ब्रेक्स ऑफ एंड एक्सपोज न्यू ग्रेन व्हिच आर शार्प। मतलब फेरेबिलिटी एबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर मतलब टूटने का जो क्षमता है अंडर प्रेशर। प्रेशर में जब आप ग्राइंडिंग व्हील का ऑपरेशन, ग्राइंडिंग व्हील का जो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तब जो वो टूटने का जो जो वर्ड है वो फेरेबिलिटी होता है। किसके साथ जुड़ा रहता है? वो फ्रैक्चर का साथ। वो किसके साथ रहता है? वो एसोसिएटेड टू किसके साथ? फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 40, विथ टाइम ग्राइंडिंग व्हील स्टार्ट रबिंग वर्क पीस इंस्टेड ऑफ कटिंग ड्यू टू डिक्रीज इन शार्पनेस, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। इसमें पूछा गया विथ टाइम, टाइम के साथ साथ ग्राइंडिंग व्हील स्टार्ट रबिंग वर्क पीस। वर्क पीस में जहाँ पे आप सर्फेस फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे वो मेटल रिमूवल नहीं हो रहा है लेकिन रब हो रहा है, मतलब उसमें स्क्रैचेस आ रहा है। इंस्टेड ऑफ कटिंग ड्यू टू डिक्रीज इन शार्पनेस, किसलिए? ये किसलिए होता है? जो ग्राइंडिंग व्हील का जो शार्पनेस है वो धार कम हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? ग्लेजिंग। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका ग्लेजिंग। ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ग्लेजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस इन शार्पनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चिप इन गैप्स ऑफ ग्रेन इज टर्म्ड एज। इसमें पूछा गया लॉस इन शार्पनेस, शार्पनेस जो लॉस होता है ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चिप्स इन गैप ऑफ ग्रेन। मतलब अगर ये एक ग्राइंडिंग व्हील होगा, आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा आपको छोटा छोटा ग्रेन है, इसमें अगर कोई ग्रेन इसमें फंसा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्लियरेंस, क्योंकि कटिंग टूल में क्लियरेंस रहना चाहिए। जो ग्रेन है, ग्रेन भी बालू का जो ग्रेन है ये भी आपका कटिंग ऑपरेशन कर रहा है तो इसमें भी क्लियरेंस रहना चाहिए। लेकिन अगर वो पूरा हो जाएगा, इसमें अगर ये पूरा हो जाएगा तो ये तो इसमें तो कट नहीं पाएगा क्योंकि इसमें क्लियरेंस एंगल नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ये जो प्रॉब्लम है इसको बोला जाता है लोडिंग। इसको क्या बोला जाता है? लोडिंग। 41 नंबर विथ कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़िए, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन बार बार पढ़ने से आपको पूरा याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हॉर्निंग इज ए, हॉर्निंग क्या है? हॉर्निंग इज ए सरफेस फिनिश ऑपरेशन। हॉर्निंग क्या है? हॉर्निंग इज ए सरफेस फिनिश ऑपरेशन। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ते क्योंकि ये हॉर्निंग नया कुछ है।
Honing is a surface finishing operation used to give better surface finish and have very small material removal rate. इसमें honing में question पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा operation है जिसमें small material removal operation है, तो इसका option हो जाएगा आपका, देखना है honing कहाँ पे है. देखिए honing actually क्या है, critical surface, मतलब cylinder का cylinder में, मतलब जो इंजन का सिलेंडर में ऐसा कुछ क्रिटिकल सरफेस जो जहाँ पे है वहाँ पे हॉर्निंग यूज किया जाता है. हॉर्निंग में कुछ हॉर्निंग स्टिक रहता है, क्योंकि एक हॉर्निंग व्हील आपको यहाँ पे एक कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, ऐसा एक हॉर्निंग व्हील रहता है, तो हॉर्निंग व्हील में ऐसा ऐसा स्टिक रहता है, ऐसा ऐसा स्टिक रहता है जो ये हॉर्निंग व्हील क्या होता है, राउंड टाइप का सिलेंडर एक बोतल का शेप में होता है. तो इसमें जो स्टिक रहता है वो स्टिक क्या करता है, वो स्टिक में ग्रेन होता है, ये जो ग्रेन है, ये जो इस टाइप का ग्रेन है, ये छोटा छोटा जो ग्रेन है ये लंबा हो जा रहा है लेकिन ये गोल गोल होगा. तो ये जो ग्रेन है ये ग्रेन स्टिक में रहता है, ये ग्रेन का जरिए से ये रेसिप्रोकेट मोशन, मतलब ऊपर नीचे ऐसा रेसिप्रोकेट मोशन का और सर्कुलर मोशन दोनों एक साथ में होता है. इसी के ये जो ऑपरेशन बोल रहा हूँ ये सिस्टम से ये रेसिप्रोकेट करके इसको फिनिशिंग ऑपरेशन का रूप देता है. नेक्स्ट लैपिंग इज ऑल्सो ए सर्फेस फिनिंग ऑपरेशन. देखिए इस इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. लैपिंग इज ए सर्फेस फिनिश ऑपरेशन यूज टू गिव बेटर सर्फेस फिनिश एंड हैव वेरी स्मॉल मेटेरियल रिमूवल. इसमें भी मेटेरियल रिमूवल रेट कम है. देखिए सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है लैपिंग का, आप स्क्रबिंग करवाते हैं सैलून में, जब जाते हैं स्क्रबिंग करवाते हैं, उस स्क्रबिंग में क्या देता है, तो एक क्रीम में छोटा छोटा दाना देता है जो आपका मतलब फेस पे लगा के उसको रैप किया जाता है. लैपिंग भी सही एक फार्मूला है, एक ही फार्मूला से लैपिंग किया जाता है. वो आपका फेस पे रैप करने से क्या हो जाता है, उसमें से जितना डार्ट पोल्यूशन है वो आपका निकल जाता है. क्या हो रहा है उसमें, आपका फेस में भी सेम चीज हो रहा है. क्या हो रहा है आपका, उसमें आपका सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है लेकिन मेटेरियल रिमूवल रेट कितना है, कम है. सेम ये लैपिंग भी सेम टाइप का, आप या देखिए मैकेनिकल जो है वो आपका रियल स्टिक है, आपका आंखों का सामने है. आप लोग बोलिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए आपका साइकिल में जो काटा है उसको क्या बोला जाता है. आप लोग सब आंसर दीजिए, जो साइकिल में जो काटा है उसको, आप साइकिल का जहाँ पे चेन लगा रहता है दोनों साइड में, एक छोटा एक बड़ा काटा है, उसको क्या बोला जाता है. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि उसका आंसर दीजिए, वो काटा को क्या बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज द लोएस्ट कटिंग स्पीड. कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया किसका लोएस्ट कटिंग स्पीड है. कुछ देर पहले आपको अभी मुंह में आ गया आंसर, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर रहेगा लैपिंग टू लैपिंग. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैव द लोएस्ट मेटेरियल रिमूवल रेट. लोएस्ट मेटेरियल रिमूवल रेट रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर लैपिंग रहेगा तो वो लैपिंग हो जाएगा, लेकिन लैपिंग रहेगा तो वो हॉर्निंग नहीं रहेगा, उसको आपको देखना है, आप एकदम गारंटी देख लीजिए. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रेन साइज रेंज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन ऑफ हॉर्निंग. हॉर्निंग के लिए जो ग्रेन साइज रेंज होता है, आपको बोला था स्टिक रहता है, लंबा लंबा स्टिक रहता है, उसमें जो ग्रेन रहता है, दाना रहता है, वो जो स्टिक में जो ग्रेन है वो ग्रेन का साइज कितना होता है. आंसर 80 ग्रिट टू 600 ग्रिट यूज किया जाता है, किस लिए, हॉर्निंग स्टोन के लिए. इसका मतलब ये जो हॉर्निंग का जो यूनिट होता है ये ग्रिट से डिनोट किया जाता है, तो ग्राइंडिंग और हॉर्निंग का जो ये ग्रिट से डिनोट किया जाता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये यूनिट बहुत जगह में पूछा जाता है, आपका जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट, यू हैव टू सिलेक्ट ए ग्राइंडिंग व्हील विथ सुइटेबल एब्रेसिव टू ग्राइंड ग्लास. What type of abrasive wheel you select? आपको बोला गया you have to select a grinding wheel with suitable abrasive. Abrasive, suitable abrasive किस लिए, इसको किसके लिए, कौन सा काम के लिए, ग्राइंडिंग ग्लास, ग्लास को ग्राइंड करने के लिए. What type of abrasive wheel you select? आंसर हो जाएगा आपका डायमंड. आंसर क्या हो जाएगा आपका डायमंड. डायमंड कौन सा टाइप का एब्रेसिव है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डायमंड कौन सा टाइप का एब्रेसिव में, एब्रेसिव का अंडर होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए. नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच वन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज यूज ड्यूरिंग ग्राइंडिंग माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील कटने का टाइम पे जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन आप कर रहे हैं उस टाइम पे कौन सा सॉल्यूबल, कौन सा जो फ्लूइड है कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा सॉल्यूबल ऑयल, आंसर हो जाएगा आपका सॉल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा पढ़ लीजिए, देखिए इसमें फिर भी मैं बोल देता हूँ। एन ऑयल कॉल्ड सॉल्यूबल ऑयल इज एडेड टू वाटर व्हिच गेट्स ए नॉन कोरोसिव इफेक्ट विथ वाटर। ऑयल, एन ऑयल कॉल्ड सॉल्यूबल, सॉल्यूबल ऑयल कौन सा है? एड टू वाटर व्हिच गेट्स नॉन कोरोसिव, मतलब ये मतलब जंग नहीं धरते, इसमें जंग नहीं पकड़ते। नॉन कोरोसिव इफेक्ट विथ वाटर। सॉल्यूबल ऑयल इज जनरली यूज एज ए कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड का तरह यूज किया जाता है सॉल्यूबल ऑयल को, किसमें? सेंटर लेड ड्रिलिंग मिलिंग एंड स्वेजिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, स्नैगिंग इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव मेटल बाय, आंसर ग्राइंडिंग। स्नैगिंग इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव मेटल बाय ग्राइंडिंग। देखिए ग्राइंडिंग, स्नैगिंग इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव मेटल बाय ग्राइंडिंग, एक्सप्लेनेशन ये सेम ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 50, द डेप्थ ऑफ इन फीट पर पास इन ड्रेसिंग ए ग्राइंडिंग व्हील शुड बी नॉट मोर देन, आंसर 0.025 mm। मतलब द डेप्थ ऑफ इन फीट, एज पर इन फीट जो ग्राइंडिंग है, तो इन फीट ग्राइंडिंग है, इन फीट ग्राइंडिंग है जिसमें जॉब स्टेशनरी रहता है, मतलब ये दोनों साइड में ग्राइंडिंग व्हील रहता है और यहाँ पे जॉब रहता है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, यहाँ पे आपका जो जॉब आपको जिसको आपको ग्राइंडिंग करना है यहाँ पे रहता है, ये स्टेशनरी टाइप रहता है और ये दोनों साइड से दो ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करता है। तो इसका जो डेप्थ ऑफ इन फीट पास इन ड्रेसिंग ए ग्राइंडिंग व्हील शुड नॉट मोर देन, आंसर हो जाएगा आपका 0.025 mm। देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राइंडिंग व्हील से होता है लगभग मैं कोशिश किया फर्स्ट पार्ट में देने के लिए, इसका सेकंड पार्ट भी निकाल दूंगा और ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रहा है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप ज़्यादा कोशिश कीजिए याद रखने के लिए। इस पर कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए, इसलिए इसमें आपको याद हो जाएगा। देखिए बार बार एक चीज़ मैं बोलता हूँ, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है 1 किताब को 10 बार पढ़िए, इसमें आपका रिविजन हो जाएगा और रिविजन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, रिविजन से अच्छा कोई पॉलिसी नहीं है। आपका जब अच्छा रिजल्ट निकल रहा है तब भी पढ़िए, जब रिजल्ट नहीं निकल रहा है तब भी पढ़िए, जब कुछ आ ही नहीं रहे तब भी पढ़िए। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की, आपको कंसिस्टेंट होना है कि ये काम आपको करना है, आपको ये को ठान लेना है, आप अगर ठान लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये था आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL एग्जाम का।